रही है और जो बयानबाजी है वो शायद इस डील को कहीं बहुत नुकसान भी पहुंचा रही है, लेकिन 2019 का लोकसभा चुनाव है, इस पर रण जारी रहने की पूरी संभावना है। बढ़ते अगली खबर पर, इस वक्त की बड़ी खबर, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी टेस्ट मैच को रद्द कर दिया गया है। बारिश की वजह से आज एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी। ऑस्ट्रेलिया में भारत ने 71 साल बाद सीरीज जीत ली है। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज थी जिसमें भारत ने 2-1 से सीरीज को अपने नाम कर ऑस्ट्रेलिया में इतिहास रच दिया है। आखिरी दिन 4th टेस्ट मैच का जिसमें कि एक भी गेंद फेंकी नहीं जा सकी है, भारत ने लिहाजा 2-1 से इस सीरीज को जीत लिया है। बड़ी खबर इस वक्त की। राजीव मिश्रा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। राजीव जी, इस पूरे मामले में भले ही मौसम ने काफी आंख मिचौली खेली और इस पूरे टेस्ट मैच को जो 3-1 की जीत हो सकती थी उसे 2-1 में तब्दील कर दिया हो, लेकिन बड़ी बात यह कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा दिया है। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी जीत है और इस जीत के कई मायने आप निकाल सकते हैं। पहला और सबसे अहम जो पड़ाव है वो ये है कि 71 सालों का सूखा हमने खत्म किया ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर, क्योंकि बड़े बड़े कप्तान देखिए भारतीय क्रिकेट के गए ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतने को इरादा लेकर, देखिए कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। हालांकि अब कई तरह के जो क्रिटिक्स हैं वो सवाल भी उठाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया बड़ी कमजोर टीम थी, बट इससे पहले भी कई कमजोर ऑस्ट्रेलियाई टीमों ने भारतीय टीमों को हराया। देखिए रिजल्ट के लिहाज से देखिए निश्चित रूप से बहुत बड़ी ये सीरीज जीत है और इस सीरीज जीत से आपको एक मोमेंटम मिलेगा वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि जब आप बड़ी सीरीज को जीतते हैं तो उसका जो असर है वो काफी आगे तक देखने को मिलता है। तो राजीव, इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि अभी आपको वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया में फिर न्यूजीलैंड जा रहे हैं, उसके बाद जो मेजा इवेंट है वर्ल्ड कप का, तो एक मोमेंटम जरूर बनाए साल 2019 में। जी हाँ राजीव जी, एक मोमेंटम जरूर बनेगा और इसका असर आगे आने वाली सीरीज चाहे वनडे हो या टेस्ट सीरीज उस पर जरूर पड़ेगा और भारतीय टीम एक उत्साह से लबरेज जरूर रहेगी। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में वक्त चलाए छोटे से ब्रेक का, जाते जाते इस वक्त की हेडलाइंस।